सीबीआई ने 22,842 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी ऋषि अग्रवाल समेत एबीजी शिपयार्ड के अन्य निदेशकों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया, जिसके बाद अब ऋषि अग्रवाल समेत फ्रॉड के अन्य आरोपियों को देश छोड़कर भागना मुश्किल हो गया है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इस फ्रॉड का सबसे बड़ा आरोपी ऋषि अग्रवाल है, लिहाजा हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर कौन है ऋषि अग्रवाल। ऋषि अग्रवाल गुजरात के सूरत के रहने वाले हैं। ऋषि का संबंध उद्योगपति घराना रुइया बंधु से है। अमेरिका की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई की। ऋषि फिलहाल एबीजी शिपयार्ड के चेयरमैन हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋषि के पास सिंगापुर की नागरिकता है। मोदी के सीएम रहते गुजरात में मिली थी 1.21 लाख वर्ग मीटर जमीन। अब आप ये भी जान लीजिए कि कांग्रेस ने ऋषि अग्रवाल को लेकर क्या आरोप लगाए हैं। दूसरी रुचिकर बात ये है कि ये एबीजी शिपयार्ड सूरत और दहेज है कौन, ये भी देश के प्रधानमंत्री जी के लगता है मुझे के चहेते हैं। क्यों लगता है, उसके दो तथ्य हैं और दो उसके बाद और बताऊंगा। पहला, इस एबीजी शिपयार्ड को मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2007 में 1,21,000 स्क्वायर मीटर जगह इंडस्ट्रियल एस्टेट में सूरत में एलोकेट की। ऋषि अग्रवाल और एबीजी शिपयार्ड 4 वाइब्रेंट गुजरात समिट्स में मोदी जी के साथ मंच पर बैठकर 22,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कमिट कर चुका है। चेक द फैक्ट्स। दूसरी तरफ सीबीआई का कहना है कि ऋषि अग्रवाल समेत फ्रॉड के सभी आरोपी भारत में ही हैं, उन्हें देश छोड़ने से रोकने के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है।